वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक किया क्या? अगर आप इस देश के जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक हैं और चाहते हैं कि आपके देश एवं राज्य में एक ऐसी सरकार हो जो आपकी, आपके राज्य की, देश एवं समाज की सुरक्षा एवं विकास का ख्याल रखे, अगर आप पूरे 5 साल सिर्फ सरकार को कोसने में नहीं बिताना चाह रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार आपकी बात सुने, तो यह जरूरी है कि आप अपने वोट के अधिकार को पहचानें। आप अपने वोट की ताकत से चुन सकते हैं अपने पसंद की सरकार। अगर आप अपने पसंद की सरकार चाहते हैं, अगर आप मतदान केंद्र से बिना मतदान किए खाली हाथ नहीं लौटना चाहते, तो एक जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक होने का परिचय दीजिए। मतदाता सूची में अपना नाम चेक कीजिए, क्योंकि आप वोट तभी डाल पाएंगे जब मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा। 1 से 30 नवंबर तक चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 यानी स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट का लाभ उठाएं तथा मतदाता सूची में अपना एवं अपने परिवार का नाम चेक करें, ताकि यदि सूची में नाम नहीं है तो उसे समय रहते जुड़वा सकें। इसके लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट www.nvsp.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली में वोटर हेल्पलाइन नंबर है 1950 यानी 1950। nvsp.in पर आप अपनी जानकारी डालकर या अपने वोटर आई कार्ड का नंबर डालकर पता कर सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। इसके लिए आप सबसे पहले nvsp.in वेबसाइट पर जाइए और सर्च एवं इलेक्ट्रल रोल पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको दो विकल्प दिखाई देंगे, या तो आप अपना विवरण डालें जिसमें आपका नाम, उम्र, पिता का नाम, राज्य, जिला तथा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है, इसको भरें और सर्च करें। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा तो वह पता चल जाएगा। यहाँ पे दूसरा विकल्प यह है कि यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र है तो आप सीधे अपने मतदाता पहचान पत्र नंबर डालिए और राज्य चुनिए। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा तो यहाँ पर पता चल जाएगा। अब यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो नाम कैसे जुड़वा सकते हैं, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।